हेलो एवरीवन, आज मैं काजू नमक पारे बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही चटपटा खास्ता मसालेदार काजू नमक पारे बनकर तैयार होंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप चाहें तो इसे महीनों स्टोर करके रख कर खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के कटोरी में 2 कटोरी यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। तो आपको जितना बनाना है उस अनुसार यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद स्वाद अनुसार मैं यहाँ पर नमक 1/2 चम्मच ली हूँ। 1/2 चम्मच यहाँ पर कलौंजी लेंगे, तो कलौंजी डालने से बहुत ही अच्छा नमक पारे बनते हैं और बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप डाल कर ज़रूर देखिए। उसके बाद यहाँ पर चुटकी भर मैंने मीठा सोडा लिया है, ताकि इससे फूले फूले नमक पारे बनेंगे, काजू नमक पारे। उसके बाद मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, तो खाने वाला जो चम्मच होता है जिससे खाना खाते हैं, बस वही चम्मच मैंने लिया है। तो उससे 6 से 7 चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो इसके बदले में यहाँ पर घी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मोयम के लिए तेल या घी डालना बहुत ज़रूरी है, और इसे इस तरह से 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से आटे को मिला लेना है, और इस तरह से मसलते हुए मिलाना है। देखिए जिस तरह से मैं मिला रही हूँ, तो इसको करने से बहुत ही अच्छा खास्ता काजू नमक पारे बनेंगे। तो इसे करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से मिलाना मसलना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब इस तरह से मुट्ठी बंधने लगे आटा मसलते मसलते, तो समझ जाइए कि ये मोयम तैयार हो चुका है। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी देकर एक टाइट आटा गूंद लेना है। यहाँ पर गिल्ला आटा तैयार नहीं करेंगे, टाइट आटा तैयार करेंगे। रोटी बनाते हैं उससे टाइट इसमें गूंदना है, रोटी बनाने उतना यहाँ पर सॉफ्ट नहीं गूंदना है इस आटे को, तो यहाँ पर टाइट ही गूंद कर तैयार कर लेना है। उसके बाद मसाले की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 मैंने लाल मिर्ची लिया है, सौंफ 1 चम्मच, 10 से 12 मैंने यहाँ पर काली मिर्ची, और यहाँ पर मैंने जीरा 1/2 चम्मच, और खसखस मैंने 1/2 चम्मच लिया है। सभी को भून लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी लिया है, और सभी को यहाँ पर पीसेंगे। तो मैंने जार में डाल दिया है और पीस लिया है। अब यहाँ पर 25 मिनट हो चुका है, तो आटे को चेक करते हैं। तो देखिए एक बार इसे फिर से अच्छी तरह से मसलते हुए इसे फिर से गूंद लेंगे। तो मैं यहाँ पर गूंद ली हूँ, तो इसे थोड़ा सा इस तरह से रोल कर लेते हैं और आटे को यहाँ पर 4 भागों में बांट लेते हैं। इसका एक भाग उठाकर पहले इस तरह से गुलाई कर लेंगे, इस तरह से हल्का सा दबाएंगे, चिपटा कर लेंगे। उसके बाद इसे रोटी की तरह बेल लेना है। तो इसे बिल्कुल पतला नहीं बेलना है, क्योंकि काजू नमक पारे थोड़े से मोटे रहेंगे तो अच्छे बनेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पतला बना सकते हैं, पर बिल्कुल पतला इसे नहीं बेलना है। तो मैं यहाँ पर इसे बेल ली हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कितना मोटाई रखा है, तो बिल्कुल पतला मैंने यहाँ पर नहीं किया है। उसके बाद कोई भी इस तरह का एक ढक्कन ले लेना है, या आपके पास कटर हो तो उसकी सहायता से काट सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से चांद के आकार का काटूंगी। देखिए इस तरह से काटते जाना है ऊपर की ओर, ये बहुत आराम से कट जाते हैं, तो काटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से बिल्कुल ऊपर तक काटते जाना है। जब ऊपर तक काट लेंगे, तो फिर से नीचे से काटना स्टार्ट करना है, फिर ऊपर की ओर जाएंगे काटते हुए। तो इसी तरह से सभी को काट लेना है, और जो आटा बच जाए उसे फिर से गुलाई करेंगे और उसे फिर से बेलेंगे और काट लेंगे। तो इस तरीके से आप बाज़ार जैसे नमकीन घर में बनाकर खा सकते हैं। जब भी आपका मन करे खाने को, इस तरह से बनाइए, खाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। बहुत ही
अच्छा लगता है ये खाने में। सबसे पहले मैं इसे प्लेट में उठा लेती हूँ और मैं यहाँ पर चूल्हे में कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और मैंने तेल डाला है गरम होने के लिए। तो पहले मैं मीडियम फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गरम कर ली हूँ, उसके बाद लो फ्लेम करके इसे तलना है। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर नहीं तलेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो इसे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे पकने के लिए, तो इसे लो फ्लेम पर ही पका लेना है। उसके बाद मैंने जो मसाले पीसे थे उसमें मैं कुछ मसाले फिर से ऐड कर रही हूँ। तो इसमें गरम मसाला आधा चम्मच, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने काश्मीरी लाल मिर्च को डाला और अच्छी तरह से मिला लेने के बाद मैं इसमें नमकीन में मिला दूँगी। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेना है। इस मसाले को आप चिप्स में भी डाल के खाइए, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे स्टोर करके भी इस मसाले को रख सकते हैं। उसके बाद मैं इसी तरह से सभी को निकाल लूँगी और सभी में मसाले को मिला लूँगी। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।